बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पहले पाठ का भाव समझाया था। आज मैं प्रश्न अभ्यास कराने जा रहा हूं। पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न आप लोगों को उत्तर पुस्तिका पर नहीं करना है, मैं बता दे रहा हूं मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, सूरज किस समय निकलता है? सूरज किस समय निकलता है? इसका उत्तर होगा सूरज सुबह में निकलता है। दूसरा प्रश्न है, सूरज निकलने पर लोग क्या क्या काम करते हैं? सूरज निकलने पर लोग क्या क्या काम करते हैं? सूरज निकलने पर लोग अपने सभी जरूरी काम करते हैं। तीसरा प्रश्न है, सवेरा होने पर चिड़िया क्या करती है? सवेरा होने पर चिड़िया क्या करती है? इसका उत्तर होगा सवेरा होने पर पक्षी झुंड बनाकर गगन में उड़ने लगती है। अब अगला प्रश्न है लिखित कौशल। ये प्रश्न का उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। मैं इन प्रश्नों का उत्तर लिखाने जा रहा हूं। देखिए, लिखित प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है आपका, सूरज किसको हर्षाता आया है? सूरज किसको हर्षाता आया है? तो सूरज सबको हर्षाता आया है। इसका उत्तर हुआ सूरज सबको हर्षाता आया है। सूरज किसको हर्षाता आया है? इसका उत्तर हुआ सूरज सबको हर्षाता आया है। अगला प्रश्न है आपका, आसमान में टोली बनाकर कौन निकले हैं? Thank you.
आसमान में टोली बनाकर कौन निकले हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा, आसमान में टोली बनाकर पंछी निकले हैं। आसमान में टोली बनाकर पंछी निकले हैं। अब अगला प्रश्न है तीसरा, हवा में कौन झूम रहे हैं? हवा में कौन झूम रहे हैं? हवा में कौन झूम रहे हैं? इसका उत्तर हुआ, हवा में सारे झूम रहे हैं। ये आपका लिखित प्रश्न हो गया। अब बच्चों इसका उत्तर हुआ, हवा में सारे झूम रहे हैं। ठीक है, यहां देखिए थोड़ा ये हटा दीजिए, ये पक्षी होता है। अब हम अगला प्रश्न आप लोगों को कराएंगे। अगला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। अब आप लोगों को अगला प्रश्न बता देना जाने जा रहा हूं। अगला प्रश्न है आपका, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। देखिए, सूरज निकलने पर कैसा रंग बिखरता है? सूरज निकलने पर कैसा रंग बिखरता है? इसका तीन ऑप्शन है, नीला, पीला, लाल। तो इसमें सही आपका होगा लाल। लाल पर हम टिक लगा देंगे, टिक लगाना है। अगला है, आसमान में किसकी बोली गूंजने लगती है? आसमान में किसकी बोली गूंजने लगती है? इसका भी तीन ऑप्शन है, चिड़ियों की, बच्चों की, बादलों की। इसमें सही ऑप्शन होगा चिड़ियों की, इस पर चिन्ह लगा देते हैं। तीसरा प्रश्न है, कितने रंगों के फूल खिलते हैं? कितने रंगों के फूल खिलते हैं? एक रंग के, दो रंगों के, अनेक रंगों के। यहां सही उत्तर होगा अनेक रंगों के, इस पर चिन्ह लगा दें। तो आप लोग होमवर्क में इस कविता को याद करना, जो प्रश्न लिखवा दिए हैं इसको भी याद करना, और उत्तर पुस्तिका बनाकर उस पर उतार देना। धन्यवाद।